आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो जो कल मैंने मुट्ठी कबाब बनाए थे उसमें से थोड़ा सा खीमा मेरे पास बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी एक नई रेसिपी हम बना लें। तो जिसने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर मुट्ठी कबाब के नाम से उसको देख सकता है, और ताकि उसे पता चल जाए कि इस कीमे में मैंने कौन कौन से मसाले ऐड करे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है कीमा आलू। तो चलिए फिर हम अपना कीमा आलू बनाना शुरू करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है मैं कीमे के अंदर सारे मसाले ऐड कर चुकी हूँ, तो अब जो मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी वो थोड़ा कम ही होंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए तेल ले लिया है, अपनी पसंद के हिसाब से ले लीजिए। हमने एक बड़ा चम्मच भर के इसमें तेल ले लिया है, इसको फ्लेम ऑन करके कुकर रख दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटी इलायची, दो लौंग और चार पांच दाने काली मिर्च के, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, दो तीन पत्ते तेजपात के, और एक मोटी वाली काली इलायची। जैसे ही ये आपका थोड़ा सा क्रैकल होने लगे तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा कीमा था जो मैं आपको बता रही थी उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको लगभग दो तीन मिनट तक इन खड़े गरम मसालों के साथ भूनेंगे। फ्लेम को हाई कर लें। जब दो तीन मिनट हो जाए तो इसके अंदर हम ये पेस्ट हमने बनाया था, इसमें हमने दो इंच का टुकड़ा अदरक का, आठ दस कलियां लहसुन की ली थी और दो हरी मिर्चें ली थी। इसका हमने मोटा मोटा दरदरा सा मिक्सी में डालकर चला लिया था, इसको डाल देंगे। मिलाएंगे, और ये हमने दो मीडियम साइज की प्याज लेकर मिक्सी में दरदरी सी चला ली, इसको इसमें शामिल कर देंगे। और पांच मिनट तक इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज के साथ। देखिए पांच मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले और शामिल करेंगे। इसमें एक टुकड़ा जावित्री का डालेंगे, और बहुत ही छोटा सा मैंने जायफल लिया उसको कुचल लिया है, उसे डाल देंगे। अच्छा, ये कुछ पाउडर्ड मसाले जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, उसमें मैंने साबुत धनिया ली दो चम्मच और उसको दरदरा सा पीस लिया, और साथ में मैंने एक साबुत मिर्च उसी के साथ चला ली थी। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये टोटल दो चाय के चम्मच से दो चम्मच हो गई। अच्छा, ये तीन चीज़ों का हमने दरदरा सा वो तैयार किया है। इसमें है काली मिर्च, सौंफ और ज़ीरा। आधी चम्मच जो है हमने ली है ज़ीरा, आधी चम्मच ली है हमने काली मिर्च, और एक चम्मच सौंफ का था, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, नमक मेरे उसमें जो हमने मुट्ठी कबाब बनाए थे मैंने उसमें भी डाला था उसके कीमे में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक कम लूँगी, ये आधा चम्मच नमक है, और बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। और ये आधा चम्मच मैंने देगी मिर्च ली है, ये एक चौथाई चम्मच हल्दी है, और ये एक चौथाई चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे।
तो लगभग इसको भूनने में हमें 4-5 मिनट तो लग ही जाएंगे। देखिए हमारे मज़ेदार कीमे को भूनते भूनते 4-5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर 2-3 हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फ्लेम को ज़रा मीडियम कर लेते हैं और इसके अंदर हमें डालने हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर टुकड़े करके और साथ में 1/2 कप पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। और जैसे ही इसमें एक खोल आ जाएगी तो हम अपने कुकर के ढक्कन की रबर को निकाल करके बगैर रबर के हम अपने कुकर को बंद कर देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे दम पर पकाना है। तो जब ये 15 मिनट के लगभग लग ही जाएंगे, क्योंकि ये बीफ का कीमा है, तो फिर उसके बाद जब हम कुकर खोलेंगे तो जो हमने टमाटर डाले हैं उसकी स्किन को हम वापस से निकाल लेंगे। फिर उसको मैश करके खूब अच्छी तरह से उसकी भुनाई करनी है और फिर आलू डाल करके हमें क्या करना है, 1-2 सीटी लगा करके अपने कीमे को तैयार करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। लीजिए लगभग कम से कम 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कीमे में से ये जो टमाटर की स्किन है इसको हम हटा लेंगे इस तरह से। जितने टमाटर हमने इसके अंदर डाले हैं सबकी स्किन को हटा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अपने टमाटर के तमाम छिलकों को आपको निकाल लेना है। अब हम ये करेंगे कि फ्लेम को हाई पे कर लेंगे। टमाटर हमारे जो हैं एक तरह से मेल्ट हो चुके हैं, ये देखिए छिलका तो है नहीं, ये देखिए। तो अब हम इसके अंदर धनिया पत्ता डालेंगे, साथ में जो हमने आलू है उनको क्यूब्स में काट के रखा है, आप अपने हिसाब से कर लें जैसा भी आपको शेप पसंद हो, इसमें डालते हैं। थोड़ा सा पानी डालें अब इसे लगभग 5 मिनट हम हाई फ्लेम पर आलू के साथ भूनेंगे, जब तक ये तेल रिलीज ना करते। देखिए हमारे कीमे ने तेल रिलीज कर दिया, इसमें चारों तरफ तेल नजर आने लगा। तो अब हम ये करेंगे कि अपने कुकर को बंद कर देंगे, रबर लगा देंगे और फ्लेम को मीडियम करके हम 2 सीटी लगा लेंगे और फिर जब कुकर ठंडा होगा तो फिर खोलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा कीमा बनकर तैयार हो गया है। और चलिए तो अब हम इसको, प्रेशर भी रिलीज हो चुका है, तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये लीजिए हमारा मजेदार सा आलू कीमा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, अपने कमेंट्स जो हैं लिख करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग सी नई रेसिपी के साथ।